समाज ने शादी की उम्र तय कर रखी है। अगर किसी लड़की की शादी जल्द ना हो तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, और अगर लड़की मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हो तो क्या ही कहना। लेकिन कुछ लड़कियां इन सबसे ऊपर अपना करियर बनाना चाहती हैं, और उनमें से ही एक है बिहार की रहने वाली श्वेता शारदा, जिन्होंने 32 साल की उम्र में 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 33वीं रैंक हासिल की है। लेकिन ये करना उनके लिए आसान नहीं था। साल 2017 में श्वेता 2 अंकों से पिछड़ गई थी, जिसके बाद बढ़ती उम्र का हवाला देकर शादी का दबाव बढ़ने लगा। लेकिन उन्होंने ऐसे समय में भी हिम्मत नहीं हारी और 2019 की 30वीं बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल की। जब मेरा 2017 में जब मेरा इंटरव्यू था बिहार का, मैंने ये मेरा दूसरा प्रयास था बिहार के एग्जाम के लिए, तो 2017 में मैंने इंटरव्यू दिया था। तो घर वालों को भी उम्मीद थी कि चलो, उन्होंने उस टाइम पे ही कह दिया था कि ये तेरा लास्ट है, इसके बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे, इसके बाद हमें तुम्हारी शादी करनी है, बस तुमने अपनी मर्जी की कर ली, बहुत हमने भी सुन लिया, बहुत देख लिया, इस बार होता है तो ठीक है, अदरवाइज हमने शादी करनी है। पर 17 का रिजल्ट नेगेटिव आ गया, मैं बहुत दुखी थी, घर वाले भी दुखी हुए, ऑब्वियसली है कि वो भी चाहते थे कि मुझे मेरा मुकाम मिल जाए, बट सिचुएशन ही ऐसी थी ना कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट होता ना कि रिलेटिव प्रेशर्स इतने ज्यादा थे और समाज में प्रेशर्स इतने ज्यादा थे कि इस वजह से उन्होंने मुझे हमें मतलब फोर्स किया कि नहीं बेटा छोड़ दो, जिद मत करो, शादी करनी है हमें तुम्हारी। पापा ने मुझे, एक बात सच बताऊं तो पापा ने मुझे कभी डांट के ऐसे कभी कुछ नहीं बोला, पर हाँ जब लोगों का प्रेशर होता था, लोग उनको बात सुना के जाते थे, तब वो मुझे फोन पे बोलते थे कि बेटा अब आ जाओ, वो भी प्यार से कि बेटा अब आ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। तो फिर मैं कहती थी कि पापा अगर कोई ऐसी बात है, अगर आपको बोलता है ना शादी की या जो भी, तो उसका नंबर मुझे दे दो, मैं उनसे बात करूंगी, मैं उनको समझाऊंगी चीजें कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ मजे मस्ती नहीं करने आई हूँ दिल्ली में, मुझे मेरा एम है और मैं उसको पूरा करूंगी। तो बस मैं उनको ये समझा के मना लेती थी। हाँ, बिहार के सुपौल जिले के कोसी इलाके के गरजाइन की बेटी श्वेता शारदा ने न्यायिक सेवा की परीक्षा में 33वीं रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। परिवार वाले इस सफलता को श्वेता के धैर्य का परिणाम बताते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग का बहुत खुशी का है, हम लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशी अनुभव कर रहा हूँ। आज उसको पढ़ाई में शुरू से ही उसकी इच्छा थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, लेकिन घर वाले हम लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी जिद जारी रही कि अभी शादी नहीं करूंगी मैं, जब कुछ बन जाऊंगी उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। आज समय ऐसा आया कि आज वो सिविल जज बनकर उनकी परीक्षा में पास हो रही है, हमें लोगों को बहुत खुशी है, और यहाँ का सारा माहौल खुशी है, लोग बहुत खुश हैं, उनके शिक्षक भी जो उनको पढ़ाते थे वो भी खुश हैं, और आज सभी को आते हैं बधाई देने के लिए। अपने आगे के सफर में बताते हुए श्वेता कहती हैं कि उनका लक्ष्य चीफ जस्टिस बनना है और वो इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अभी तो घर वालों का देखो, अभी तो मेरा रिजल्ट आया है, 3 दिन पहले ही रिजल्ट आया है, तो अभी तो शादी के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है घर पे, अभी तो दे आर एंजॉयिंग माय सक्सेस, तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है शादी को लेके। लेकिन हाँ, शादी का तो है कि इस बार था कि चलो इस बार अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो शादी करनी है तुम्हारी, पर मेरा ये है कि मुझे हायर जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो अभी भी मैं यही चाहूंगी कि मेरे ऐसे बंदे से शादी हो मेरी कि जो मुझे सपोर्ट करे हायर जुडिशरी के लिए। तो मैं अपना करियर यहीं खत्म नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सपना था, मैं आपको बता दूं कि मतलब मुझे तब जुडिशियल सर्विसेज के बारे में पता भी नहीं था। 12th में मैंने बताया होगा कि मैंने 12th में लॉ करने का सोचा और ये सारी चीजें थी, तो उस समय मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखा था कि वो कोई लेडी चीफ जस्टिस नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं लॉ करूंगी और मैं लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूंगी, बट मुझे रियलिटी नहीं पता थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना इतना आसान नहीं है। बस मैं तो बस ऐसी तैयारी में घुस गई कि जज बन जाऊंगी, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनूंगी, लेकिन अब मुझे ग्राउंड रियलिटी का जब मैं तैयारी में आई तो पता चला कि नहीं, इतना आसान नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचना चाहती हूँ, अगर हायर जुडिशरी होता है तो ही मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाऊंगी, अदरवाइज इस सिलेक्शन से मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट जज बन के ही रिटायर हो जाऊंगी। इसलिए मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं हायर जुडिशरी का पेपर क्रैक करूँ अगेन,
और उससे मैं आगे बढ़ पाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपको बता दें कि श्वेता शारदा की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र के करजाइन मध्य विद्यालय और हाई स्कूल में हुई है। इसके बाद इग्नू से ग्रेजुएशन, बीएचयू से एलएलबी और कुरुक्षेत्र से एलएलएम की डिग्री ली है। श्वेता की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणादायी है जो कुछ कर गुजरने की दिलेरी रखती है। सुपौल से रामचंद्र मेहता की रिपोर्ट, बिहार तक।